वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम सुभाश्री एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल सुभाश्री ब्लॉग। सो आज है 16 फरवरी, आज है सरस्वती पूजा एंड हम लोग पूरा रेडी हो गए हैं। मैं पहनी हूँ ये साड़ी, आदि ये कुर्ता और पजामा, बाकी कुछ मतलब ये रिंग्स पहनना बाकी है एंड थोड़ा सा चूड़ियाँ पहनना बाकी है, बस मेरा हो गया। और आदि के पापा नहा रहे हैं, वो अभी तक नहीं नहाए, वो नहाएंगे फिर। रेडी होने के बाद हम लोग जाएंगे मेरे चाचा ससुर के घर जहाँ पे पूजा है, और वहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको पूजा कैसे हो रहा है एंड आदि के पापा क्या पहनने वाले हैं बाद में देख लेना, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं वो जो नहीं पहनी हूँ इयर रिंग्स एंड चूड़ियाँ वो थोड़ा पहन लेती हूँ। यहाँ पे आने में थोड़ा सा लेट हो गया हमें, तो आते आते अब पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, पुष्पांजलि भी ख़त्म हो गया था, लेकिन और भी 3-4 जन बाकी थे पुष्पांजलि देने के लिए, तो हम लोग भी उनके साथ मिलके दे दिए, फिर थोड़ा प्रसाद भी खाए। लंच भी यहाँ पे करेंगे, लंच मतलब दोड़ा खिचड़ी जो फेमस है, दोड़ा खिचड़ी, राम रोचक करी एंड एक घंटो खट्टा पायस, ये सब होता है तो वो करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद। फिलहाल तो अभी बैठ के सब लोग बातें कर रहे हैं एंड हमारे चाचा जी के एक फ्रेंड की बेटी यहाँ पे आई है, वो बहुत अच्छी मतलब सिंगर है, गाना गाती है, तो चाचा जी उसे बोले कि तुम्हें गाना गाओ, हम लोग थोड़ा सुनेंगे, तो वो गाना गाएगी अभी, आप लोग भी सुनो। उससे काकू जी बोल रहे हैं, मतलब चाचा जी बोल रहे हैं कि और एक गाना गाओ, जो कि एक मतलब साईं बाबा का भजन एक गाने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि उसका गाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसका कुछ प्रोग्राम भी था, तो उसे बोल रहे थे कि यहाँ पे गा लो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर प्रोग्राम में जाके गा लेना। तो अभी वो और एक गाना गाएगी और सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लुहारी ढाली आसी सारा ही बापाई
लंच का भी टाइम हो रहा था तो अभी सब लोग बैठ गए हैं नीचे खाना खाने के लिए। मतलब सब लोग तो एक साथ नहीं बैठ सकते, आधा अभी बैठेंगे खाना खाएंगे, फिर बाकी बाद में बैठ के खाना खाएंगे। तो मैं अभी नहीं बैठी हूँ, मैं सेकंड फेज में बैठूँगी। मैं आज रात को एक मैरिज फंक्शन भी है तो हमने सोचा कि वहाँ से आते वक्त विशाल से कुछ गिफ्ट मैं ले आऊँ, क्योंकि बाकी शाम को टाइम नहीं होगा ना। मेरे हस्बैंड का अभी ऑफिस है तो वो हमें घर में छोड़ के फिर ऑफिस चले जाएंगे और टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि चलो अभी ले आती हूँ, फिर उसको बाद में घर में ही गिफ्ट रैप कर दूँगी। गुड इवनिंग एवरीवन। वहाँ से आने के बाद मैं सो गई थी पूरा, बहुत जोर से नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी। अभी जस्ट उठी हूँ। अब उठने के बाद मुझे याद आया कि वो जो गिफ्ट मैं लाई थी उसको मुझे गिफ्ट रैप करना है, क्योंकि जाना है एक शादी पे। तो अभी फटाफट से मैं वो गिफ्ट रैप करूँगी, फिर तैयार होना भी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि आदि के पापा आ जाएंगे और वो बोले थे मुझे कि उनके आने से पहले मैं जैसे रेडी हो जाऊँ। मैं भी रेडी हो जाऊँगी, आदि को भी रेडी कर दूँगी। मैं थोड़ा पहले अभी फ्रेश हो जाती हूँ, देन उसके बाद गिफ्ट रैप करूँगी। आज शादी में मैं बहुत ही सिंपल सा एक ड्रेस पहन के जा रही हूँ, और मेकअप भी मैं बहुत हल्का, मतलब थोड़ा ही मेकअप करूँगी। तो पहले मैं अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी, देन प्राइमर लगाऊँगी। ये ब्लू हेवन का प्राइमर है। मैं मेकअप का एक प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, मतलब मुझे जितना आता है उस हिसाब से बनाने की कोशिश करूँगी। तो प्राइमर के बाद मैं यहाँ पे मेबलिन फिट मी का सॉफ्ट 10228 का फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ, वो मेरे स्किन टोन के साथ अच्छे से मैच कर रहा है। और मैं यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए हाथ यूज़ कर रही हूँ, अपने हैंड से ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंडर कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बोली जैसे कि थोड़ा ही मुझे मेकअप करना है बस। देन अच्छे से पाउडर से उसको सेट कर लिया। फेस पाउडर मैंने यूज़ किया फेसेस कनाडा का। देन अपने आईब्रो को थोड़ा सेट कर रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आई शेडो, देन ब्लश, देन हाइलाइटर, जैसे कि मेकअप स्टेप्स जो जो भी होता है वही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है उस हिसाब से। तो ये मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर एंड वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड स्विस ब्यूटी का मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लशर। अब थोड़ा लिप्स पे लिपस्टिक भी लगाना ज़रूरी है। लिपस्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये लिपस्टिक मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब थोड़ा सा बिंदी एंड हेयर को मैं पीछे की तरफ करके टाई कर रही हूँ। पीछे आदि उसके पापा के साथ झगड़ा कर रहा था और ये मैं हूँ, और ये फाइनली हम लोग शादी में पहुँच गए हैं, और ये इस लड़की की शादी है आज। तो जी हम लोग आ गए हैं वापस शादी से, और अभी मैंने जो भी थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह किया था उसको मैं रिमूव कर दूँगी, फिर सो जाएंगे। क्योंकि और वहाँ पे भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, क्योंकि आज
दिन में थोड़ा हैवी खाना हो गया था मेरे लिए, मतलब ज़्यादा थोड़ा खा लिया था, तो रात को मैंने अभी थोड़ा कम खाया। अभी 2 ग्लास गर्म पानी थोड़ा पी लूँगी, देन सो जाऊँगी। उससे पहले मैं मेकअप रिमूव करूँगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ ये बॉटल, देखो ये है श्लोका का, श्लोका मीन्स मोदी केयर का श्लोका 3-in-1 क्लिंजर टोनर एंड मेकअप रिमूवर है। इससे बहुत अच्छा मेकअप रिमूव होता है। मैं ये बहुत दिनों से, मतलब हो गया 1-1.5 महीना हो गया इसको यूज़ कर रही हूँ, एंड मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल स्किन टाइप के लिए है। इसको यूज़ करना भी बहुत सिंपल है। सिंपल आप कॉटन पैड लीजिए या फिर कॉटन लीजिए ऐसे, और थोड़ा सा इसका जो कैप है इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ से आप थोड़ा कॉटन में अप्लाई कीजिए, देन अपने स्किन में जेंटली रब करके सारा मेकअप रिमूव कर सकते हैं। इसमें आई मेकअप भी बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन ये ऑनलाइन आई डोंट नो मिलेगा या नहीं। ये 200 ml का है, प्राइस है 315, एंड इसके ऊपर डिस्काउंट ऑब्वियसली मिलता है। मुझे ये पसंद आया, और हाल ही में मैंने, मतलब 1-1.5 महीने से मैं कुछ चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, उसका भी रिव्यू मैं आपके लिए लेके आऊँगी 1 by 1। कौन सा प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे कैसा लग रहा है वो यूज़ करके डिटेल में आपको बताऊँगी। एंड शादी जो गया हमारे घर में, तो शादी के लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ किया था, तो उसका भी रिव्यू करना बाकी है, हॉल वीडियो करना बाकी है, वो मैंने नहीं किया अभी तक। तो वो भी मैं बीच बीच में वैसा कुछ वीडियो लाती रहूँगी। ब्लॉग्स तो आएगा ऑब्वियसली, एंड बीच बीच में वैसा टाइप का वीडियो भी मैं लाती रहूँगी, ज्वेलरी के ऊपर, क्लोथिंग के ऊपर बहुत सारा। एक तो मैंने साड़ी का हॉल वीडियो बना दिया है, और एक साड़ी का हॉल वीडियो है वही हीर फैशन से, एंड अमेजन से मैंने ज्वेलरी परचेज किया है, एंड मैंने कॉस्मेटिक्स भी बहुत सारे परचेज किए हैं। सब का डिटेल रिव्यू वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, एंड अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप सबको पहले मिल जाएगा। एंड प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अगर कुछ नया ऐड करना होगा, कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा, वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। आज का वीडियो फिलहाल इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज लाइक करना बंद मत कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।